विवेक वाल्मीकि है, बहुजन महासेना का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा एक कारण है जो मैं यहाँ आना आया हूँ, जिस आधार और जिस समस्या के लिए हमने यहाँ इतनी बड़ी संसद लगाई है, उस संसद का में जो आए हुए धर्मगुरु हैं सभी को नमन है, चरण वंदन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार, मोदी और योगी सरकार जहां संविधान के आधार पर मंदिर निर्माण करने आ रही है भगवान राम का, वहीं उसी सरकार के चंद नुमाइंदे जो लोग हैं, जो पार्षद सांसद हैं फतेहपुर सीकरी, वो लोग उसी ही हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र रामायण को जलाने का कार्य कर रहे हैं। 16 नवंबर की रात को लातों से किवाड़ तोड़ के वाल्मीकि मंदिर के आगरा में वो रामायण को जलाया गया और अवैध और गैर कानूनी कागजातों के जरिए से उन्होंने बैनामा कराकर हमारे वाल्मीकि वाटिका, जहां जो लोग आते जाते थे राहगीर वहां रुकते थे प्यास के लिए, पानी पीने के लिए जो कुआं बना हुआ था, एक मरहिया डली हुई थी, उन्होंने सबको खत्म कर दिया और अवैध निर्माण कर दिया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ योगी और मोदी सरकार से कि मोदी जी कहाँ का न्याय है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आपने इतने सालों से ये आस लगाई कि सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दे तब निर्माण हो अयोध्या मंदिर का, लेकिन वही वाल्मीकि मंदिर को आप ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, आपके नुमाइंदे ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। बहुजन महासेना यहाँ गुरुओं के से मिलकर के अनुरोध करता है और दिल्ली की जनता से अनुरोध करता है मीडिया के माध्यम से कि इस व्यवस्था को रोके, जो सांसद है जिसने ये घिनौना कार्य किया है, अगर वो उसको के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, FIR दर्ज नहीं होती है, तो बहुजन महासेना समस्त बहुजन संगठनों को एकजुट करके दिल्ली की संसद की रोड पर उतरेगा। हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी धर्म स्थली को खत्म नहीं होने देंगे। यही सांसद का नाम बोल रहे हैं, फतेहपुर सीकरी के सांसद हैं राजकुमार चाहर। जिस दिन वोटिंग खुली 23 मई 2019 को, ठीक उसी दिन उन्होंने JCB हमारी बगिया पर चलाई, हमारी वहाँ समाधियाँ बनी हुई थी साधु संतों की, उसको तहस नहस किया, सारी व्यवस्था उन्होंने खत्म किया और वहाँ की पुलिस ने मुझे भी गिरफ्तार कर जेल में डालने की धमकी दी है। DM SSP कमिश्नर कोई नहीं सुन रहा, सबको क्या पता।